अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मुझे रोस्ट किया गया है। नहीं मतलब यार आपके भाई को भी रोस्ट कर रहे हैं, हालांकि मैं तो यार किसी के फड्डे में पड़ता भी नहीं हूँ। लेकिन खैर अब वीडियो कैसी है ये तो देख के पता चलेगा। वीडियो का टाइटल है मीट द प्रैंकस्टर्स ऑफ द ईयर। भाई मुझे मतलब प्रैंकस्टर बना दिया, हालांकि मैं प्रैंक वीडियो तो बनाता नहीं हूँ। खैर वीडियो देखते हैं कैसी है, अब आपके साथ देखता हूँ। अल्लाह जाने गालियाँ देगा या कुछ भी करेगा, लेकिन बंदे ने जो है मुझे रोस्ट किया है तो मिलके देखते हैं भाई कैसा रोस्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फरवरी का महीना चल रहा है। हमें तो नहीं पता था कि फरवरी का महीना चल रहा है। क्या कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है यार तुमने, हमें तो पता ही नहीं था। हम कहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं यार, हमें पता ही नहीं था कि फरवरी का महीना चल रहा है। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फरवरी का महीना चल रहा है। वाह 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 वाह, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर मुझे जो और की मुंह में, अगर मैं यहाँ से उठाकर स्क्रीन के उस पार मारूं तो तुम्हारा सर फट जाएगा। नहीं भाई बस ये बता दो, ऐसी शुरुआत करने के लिए कौन से सस्ते नशे फूकने पड़ते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन देकर अब न्यूटन भी सोच में पड़ गया होगा कि इतनी जल्दी क्यों मर गया हूँ। काश थोड़ी देर और जिंदा रह लेता तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक नई थ्योरी तो पेश कर सकता। पहले तो यार तालियां इन लोगों के लिए जो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब इस चीज के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है या एक्स्ट्रा क्लासेस में देनी पड़ती है? और थूत के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही लग रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस में देनी ही पड़ती है। से आता है ऐसा कॉन्फिडेंस वीडियो में हगने के लिए? तो यार आज ना हम बात करेंगे ब्लैक भाई के बारे में। अगर किसी को ब्लैक भाई के बारे में, ब्लैक भाई यार दिस इज़ नॉट फेयर, आपने मतलब मेरा नाम भी ऐसा कर दिया यार, बंदा ऐसे भी नहीं करता। खैर आगे देखते हैं। मैं नहीं पता तो यार आज हम अपनी वीडियो में बात कर ही लेंगे, देख लेना यार किस किस्म की वाह याद बातें यहाँ होती हैं। तो अपने अपने पजामे टाइट करो, पजामों से हाथ बाहर निकालो, जितने भी इंच की स्केल है यार तुम लोगों के रेडी कर लो और शुरू करते हैं आज की यकी स्ट्रीम 369 और फरवरी का महीना। मिडिल फिंगर रोस्टर इसके चैनल का नाम है भाई। तो कैसे हिला रहे हो जिंदगी आजकल। मैं ना घंटा घंटा सोच में पड़ रहा था कि अपनी वीडियो की शुरुआत कहाँ से करूँ, मतलब कौन सी लाइन पिक करूँ। तो ऐसे ही मैं ना रिसर्च कर रहा था तो मुझे ब्लैक भाई का चैनल नजर आ गया। नहीं समझा, ये वाली लाइन ना मैं अपनी हर वीडियो को शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ये फरवरी का महीना चल रहा है, यो यो सुनो, ये मार्च का महीना चल रहा है, ये व्हाट्सएप गैस कीप क्लैम, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, ये क्या चावल मारी, ये किसने स्क्रिप्ट लिखा है, ये फरवरी का महीना चल रहा है और आज हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि भाई तू बात ही मत कर, बात करके भी क्या उखाड़ लेना है। शुरू में जो रायता फैला दिया वीडियो के एंड होने तक, ये हगने से बवासीर तो बन ही जाएगा। वैलेंटाइन डे के बारे में है ना? नहीं भाई वो गुजर गया, उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, समझे आप। और वैसे भी वैलेंटाइन डे अमीरों के लिए होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक बात इस भाई साहब ने बहुत सही कही है। नहीं भाई वो गुजर गया, उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। और वो इसलिए सही है। नहीं मैंने कौन सा रायता फैलाया भाई शुरू में मुझे बताओ, और वैलेंटाइन डे क्या मतलब ये कौन सी लॉजिक है कि अमीरों के लिए होता है। भाई वैलेंटाइन डे कैसे लोगों के लिए होता है पता है ना आपको, किसी मौलवी से पूछ लेना कैसे लोगों के लिए होता है। आगे कुछ नहीं कहूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आगे देखते हैं आपकी वीडियो। की शक्ल देखकर तो लग ही रहा है कि लड़की से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, अपने हाथ से कोई गहरा ही रिश्ता है इसका। ऐसे बंदा अगर न्यू सिम कार्ड भी लेने जाए तो आगे से यही जवाब मिलता है, पहले 2-3 महीने हाथ की कसरत छोड़ो, अपनी लकीरें बहाल करो और फिर आना, और एक नजर थूत पर डालो, हवस और यकियों को चार के ऊपर रखकर ग्रैंड किया जाए तो भाई साहब के थूत जैसा ऑर्गेज्म निकलता है। भाई उड़ाओ के बारे में, जहाज उड़ाने का फरवरी से क्या वास्ता भाई? नहीं समझा, नहीं समझोगे भाई। ये बंदा फरवरी के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं मतलब मैंने शुरू में कह दिया फरवरी का महीना है तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई, मुझे भी बताओ। नहीं मतलब फरवरी के पीछे पड़ा हुआ है बंदा, बस मैंने ये क्यों बोला कि फरवरी का महीना चल रहा है। क्या सस्ती एक्टिंग है यार, इस तरह के बंदे होते हैं जिनकी लव स्टोरी 2 घंटों से ज्यादा नहीं चलती और बाद में सालों साल लड़की की बेवफाई का रोना रोते रहते। हम बात करेंगे जहाज उड़ाओ के बारे में। बंदा एक नजर पहले अपने जहाज पर भी डाल ले। ऐसे ही बंदे होते हैं जिनके साथ अगर कोई बच्ची 2 दिन के लिए सेट हो जाए तो पहले उसके नाम की स्टेटस ढूंढ कर लगाएंगे, फिर पिक्स शेयरिंग, और अगर गलती से लड़की अपनी कोई हॉर्नी सी तस्वीर सेंड की तो 2 साल अपना जहाज उड़ाते रहेंगे उस पिक के सहारे। और एंड में जब इनका जहाज उड़ना भी बंद करता था, यानी कि रनवे के ऊपर स्ट्रेट सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, तब इनका ये एक्सक्यूज होता है कि जानू मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। अगर कोई बंदा इनसे गलती से पूछ भी ले भाई ब्रेकअप क्यों है तो आगे से कहते हैं आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, ओके। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं जी? मैं भावना दिल्ली से। अच्छा भावना जी, भावना जी, अगर आपकी भावनाओं को चोट न पहुंचे तो एक छोटी सी विनती करनी थी आपसे जी। किस प्रकार की विनती? अभिनंदन से बात करवा दें। यहाँ कोई अभिनंदन नहीं है। अरे ड्रामेबाजी मत करें, आप हमें नंदू से बात करवा दें, हमने तो सही सलामत उन्हें भेजा था, बिल्कुल ठीक ठाक भेजा था, कहाँ गए वो?
ड्रामे तो आप लोग करते हो यार। सबसे पहले तो तालियां बनती हैं दोनों लड़का और लड़की के कॉन्फिडेंस के ऊपर। के वीडियो के अंदर लगातार हककर भी भाई साहब के थूत के ऊपर स्माइल चेक करो, स्माइल से तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई साहब पहली बार जिंदगी में किसी लड़की से बात करें, इतने इसलिए इतने उतावले। शक्ल से वाज़ आ रहा है कि हवस और ठरक कूट कूट कर भरा हुआ है इन भाई साहब के अंदर। बंदा कोई चज की एडिटिंग ही कर लेता है यार स्क्रिप्टिंग। और आंख तो ऐसे मार रहा है जैसे अभिनंदन से नहीं जॉनी सिंह से बात करने वाला। जी किस प्रकार की विनती? और मैडम जी क्या प्रकार विकार लगी हुई हो कि ज्योमेट्री बॉक्स हाथ में लेकर बैठी हो के आप लोगों के पास? यार ये प्रकार इसलिए बोल रही है क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर हिंदी में बात कर रहे थे, तो प्रकार हिंदी का लफ्ज है। जैसे कि हम बोलते हैं किस तरह की गुजारिश, तो उसने कहा किस प्रकार की विनती। तो सिंपल सी बात है यार, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए ना है। क्या शर्म करो थोड़ा। क्या करो थोड़ा शर्म करो भाई। शर्म होता है शर्म 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 यार 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 ब्लॉक भाई तुम ही समझाओ इस लड़की को। शर्म शर्म होता है शर्म। मैं समझा रहा हूँ ना भाई, मतलब हिंदी जो बोलते हैं वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तानी जो शर्म की जगह पे शर्म बोल देते हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस वीडियो के अंदर हिंदी में बात कर रहे थे, तो शर्म की जगह पे शर्म बोल दिया इसने। ये हमारा हमने जानबूझ के बोला है यार। आप भी ना ऐसी चीजें नोट कर रहे हैं जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती। शर्म। अरे व्हाट द फक। फिर से यार ट्राई करो तुम लोग। शर्म। हक दिया। शर्म शर्म सड़ी के। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। 27 फरवरी भूल गए क्या? 300 आतंकी। मुझे पता था आप यही कहेंगी। माना कि तुम लोग कॉपी कर रहे हैं किसी और के स्टाइल को, मतलब आई नो यार ये बब्बा का स्टाइल था उसे कॉपी कर रहे, तो बंदा उसकी फुल कॉपी करने की कोशिश करता है। चलो कोई फर्स्ट कॉपी नहीं। सही कहा आपने, लेकिन हम उसको कॉपी नहीं कर रहे थे, हम उसको रिप्लाई दे रहे थे। जो आपने बंदे का नाम लिया भौवा भौवा जो भी है, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं आ रहा यार। ये जो भी है हम इसको कॉपी नहीं कर रहे थे, हम इसको जवाब दे रहे थे। क्योंकि इस बंदे ने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वो हमें नीचा दिखा रहा था। हम पाकिस्तानियों को एक कॉल मिला के इसी तरह एक मतलब एक फ़र्जी पाकिस्तानी बनाया, उसको कॉल मिलाया और हमें नीचा दिखा रहा था, हमारी हमें बुरा भला कह रहा था उस वीडियो के ज़रिए। तो हमने जैसे उसको रिप्लाई दिया है, हमने उसकी कॉपी नहीं की और हम कॉपी करें भी क्यों भाई। तो बस यही था। और वो जो फरवरी वाला चक्कर है तो बस यही था कि 27 फरवरी को जो हुआ था ना, हम उसी वाक्य को दोहरा रहे थे उस वीडियो में, इसलिए हमने 27 फरवरी का जिक्र भी किया और जो है उस बंदे को हमने रिप्लाई दिया। और ये एक ट्रोलिंग वीडियो थी यार, इसको आपने इतना सीरियस लिया हुआ है। खैर आगे देखते हैं आप क्या बोल रहे हो। सेकंड कॉपी कर लेते हो, कोई थर्ड कॉपी कर लेते हो, कोई परले दर्जे की लानत सेटिस्फाइड कॉपी कर। लगातार बवासीर फैलाया जा रहा है। दोजख में ऐसी वीडियो तुम लोगों को सजा के तौर पर सुनाई जाएंगी। अरे अरे मैडम मैडम भाई, दोजख में हमें ऐसी वीडियो नहीं देखनी भाई। पूरी वीडियो देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। अब मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी वीडियो में कमियाँ निकाल रहा है बंदा, मैं कैसे कहूँ कि वीडियो मुझे कैसी लगी। खैर बंदे ने कोशिश अच्छी की है यार, और भी बेहतर हो सकता था, मतलब बेहतर बेइज्जती कर सकते थे आप मेरी। लेकिन बड़ी बात है यार, मतलब बिना गालियों के भी आपने रोस्ट कर दिया मुझे। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, आपने जो किया अल्लाह पूछे आपसे, मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो है अच्छा था यार, कोशिश आपने अच्छी की। अगेन ये कह रहा हूँ, आप अच्छा एक रोस्टर बन सकते हैं। मुझे रोस्टिंग करना नहीं आता, लेकिन मतलब मुझे लोग रोस्ट करते भी नहीं है कि मैं उन पर रिएक्शन दूँ। खैर मैंने रिएक्शन दे दिया भाई, मेरा यही रिएक्शन है ना, मैं इस वीडियो को लाइक कर रहा हूँ ना मैं इस वीडियो को डिसलाइक कर रहा हूँ। हाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार भाई को भी जाके सपोर्ट करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।